Namaste, I am GV and Dr. Divya Nagvansi, Faculty of Naturopathy and Yoga. Today we will discuss about the basic principle of nutrition. जैसे कि last video में हमने देखा था कि हमने history of nutrition किया है, उसके बाद कुछ जो है हमारे जो topics थे उसके बाद हमने next topic किया है. अब हमारा next topic है basic principle of nutrition. So basic principle of nutrition जाने से पहले हमें ना थोड़ा ये डिस्कस करना पड़ेगा कि जो अभी तक के चीज़ें हमने रिकॉल करी है वो क्या है, एक इंट्रोडक्शन से. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन जानकर ही हम कोई भी पेशेंट्स होते हैं उसका क्या है, प्रॉपर जो है केस हिस्ट्री लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको एक डाइट चार्ट प्रोवाइड करेंगे और हम ये अनुमान लगाएंगे कि उसको क्या ना लेने से उसकी डिसीज़ बढ़ती है. हो जैसा हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले बात करेंगे फूड इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड. जिस तरीके से हमें एयर और वाटर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, उसी तरीके से हमें क्या कहते हैं तो फूड की भी ज़रूरत होती है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, एक अच्छी हेल्थ को पाने के लिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाएगा कि फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी एंड अदर सब्सटेंस फॉर ग्रोथ एंड ओवरऑल हेल्थ. जो फूड होता है वो हमें क्या कर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और अदर सब्सटेंस प्रोवाइड करता है जो हमारी ग्रोथ और ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है. जैसे कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या होती है, चेंज होते रहती है. ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी हम डेवलपमेंट होता है तो हमारी जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होते जाएगी. ठीक है, तो उसके कारण क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत लेना है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है. जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले, प्रोटीन की, फैट, विटामिंस, मिनरल्स, वाटर, ये जो है ना ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में कुछ ही अमाउंट में क्या है कि बनते हैं और बाकी जो है ना हमें आउटसाइड लेना पड़ता है हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ताकि हमारा जो है बॉडी फंक्शन वो अच्छे से कर पाए. जैसे आप कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस की बात करती हूँ तो कार्बोहाइड्रेट क्या है कि ये हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसे क्या करता है, रेगुलेट करता है. प्रोटीन जो है बिल्ड्स करता है मसल मास को और बोन को और ये हेल्थी रखने में मदद करता है. ठीक है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, और मेंटेन करता है हमारा हेल्दी इम्यून सिस्टम. जैसे फैट्स आता है, फैट्स क्या है, हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब हम क्यों बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम फास्टिंग करते हैं उसमें हम कुछ नहीं खाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो फैट का यूज़ करती है एज अ एनर्जी, वहाँ से हमको एनर्जी जो है वो मिलती है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा जो भी एब्जॉर्प्शन होते हैं विटामिंस के, ए डी ई और के, उसके साथ साथ ही हमारे क्या है ब्रेन के फंक्शंस में हेल्प करता है. जो विटामिंस होते हैं, विटामिंस क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को, हमारी सेल्स को रिपेयर करते हैं जो डैमेज हो रही है. ठीक है, और कोई भी जो डिसीज़ होती है उससे क्या करवाते हैं, ये हमें प्रिवेंट कराते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनरल्स की. ठीक है, मिनरल्स में आ जाएगा कि ये जो है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है. ब्रेन डेवलपमेंट के काम आता है, कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ, जो बोन और टीथ का कंपोनेंट है उसके लिए है. ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारी जो स्टिमुलेट करता है हमारी जो मसल्स है और जो हमारी नर्व एक्टिविटी, जो हमारे बॉडी में जो नर्व एक्टिविटी होती है ये उसके लिए क्या है, हेल्पफुल होता है. ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि हमें पता है वाटर क्या करता है, सबसे पहले आ जाता है हमारा थर्मो रेगुलेटर, जो टेम्परेचर हमारे बॉडी में है. कई बार हमारा क्या है फीवर आ जाता है तो हमारा क्या है कि जो टेम्परेचर है वो बॉडी का बढ़ जाता है, लेकिन उसको जो वाटर है ना हेल्प कराता है थर्मो रेगुलेटर के, मतलब कि जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करेगा और जो भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही है. ठीक है, उसमें वाटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम बिगिन इन द सेल्स. ये इसलिए बोला जाता है कि जो सेल फंक्शन है ये क्या है, जो भी सेल फंक्शंस हो रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं कि जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो करते हैं और जो सेल का शेप और इंटीग्रिटी जो होता है उसे क्या करते हैं, मेंटेन करने के काम आते हैं. अगर यदि से हमारी यही सेल की शेप हो गया, जैसे ये सेल है इसकी जो शेप है वो चेंज हो गई, इंटीग्रिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा कि जो नॉर्मल सेल फंक्शन है वो भी हो जाएगा और हमें क्या होगा, डिसीज होने के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं. तो एक
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को हेल्थी रखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुअर न्यूट्रिशन। प्योर न्यूट्रिशन कैन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन क्रोनिक डिसीज। ये इस क्रोनिक डिसीज मतलब कि जो धीरे धीरे हमारे शरीर में बन रही है और लॉन्ग टर्म है, ठीक है। जो जैसे हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं, हाइपरटेंशन क्या है, धीरे धीरे उसकी शुरुआत होती है, हम पहले ही उसे डायग्नोस नहीं करते, लेकिन जब वो एक लेवल पे आ जाती है तब जाके हम उसे डायग्नोस करते हैं। ऐसे ही डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ को हम आइसबर्ग फिनोमेना भी कहते हैं। तो क्या है, हमारे शरीर में हो रही है लेकिन उसके कोई सिम्टम्स हमें नहीं दिख रहे, तो बाद में चल के क्या हो रहा है कि उसके सिम्टम्स हमें दिखते हैं। तो ये कैसे पुअर न्यूट्रिशन कैसे हमको क्रोनिक डिसीज़ करा सकती है, तो क्या है कि जो क्रोनिक डिसीज़ होती है, जैसे मैंने बताया कि स्लो डेवलपिंग होती है, ठीक है, और ये लंबे समय तक रहती है, ठीक है। अब क्या है कि ये कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, पुअर न्यूट्रिशन हो गया, जो हमारे नहीं ले रहे हैं, अगर हम पुअर न्यूट्रिशन ले रहे हैं लंबे समय के लिए, ठीक है, तो ये क्या है कि एक्सेस इंटेक जो हम, या फिर ज़्यादा इंटेक जो कह रहे हैं, ठीक है, या ढंग से हम खाना नहीं खा रहे, तो वो क्या करते हैं, डिसीज़ को डेवलपमेंट कराता है। इसलिए तो हम ये बोलते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण भी एक रीज़न होता है, और इसका हम देख रहे हैं कि एक न्यूट्रिशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो हमें डिसीज़ करा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माल न्यूट्रिशन कैन रिजल्ट फ्रॉम पुअर डाइट। जो माल न्यूट्रिशन है वो क्या है, पुअर डाइट के कारण है, डिसीज स्टेट, जेनेटिक फैक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॉसेस। अब इसमें क्या है, माल न्यूट्रिशन जो है ना वो सेलुलर इम्बैलेंस के कारण होता है। जैसे सेलुलर इम्बैलेंस हो रहा है, अगर हमारे शरीर में कोई भी सेलुलर इम्बैलेंस हो रहा है तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि जो न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है और सप्लाई है, ठीक है, मैं दे ही नहीं रही हूँ और उसकी जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा बॉडी का फंक्शन है वो नॉर्मल जो है वो नहीं कर पाएगी। अब ये नहीं कर पाएगी तो क्या है कि हमें डिसीज़ होगी ना, नॉर्मल सी बात है कि अगर जिससे मैं कोई भी अगर काम करवा रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि अगर एक इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिसिटी का वो लगा है, अगर उसको सप्लाई ज़्यादा देना है और मैं उतनी सप्लाई ही नहीं कर रही हूँ तो प्रॉब्लम आएगी। सेम उसी तरीके से ये भी है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि माल न्यूट्रिशन जो है ना वो किसके कारण है, या तो हम अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हैं, जो कैलरीज है वो नहीं ले रहे, लेकिन रियलिटी में क्या है कि जो हम एक्सेस इंटेक करते हैं, जो हम जंक फूड वगैरह खाते हैं, उससे हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो तो हमारी बॉडी को नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी एक कारण होता है, ठीक है, जिसके कारण हमें डिसीज़ होती है, और ये कुछ जेनेटिक भी होती है, ठीक है। और एक और एक फैक्टर होता है, ये जो होता है MTHFR जो जीन होता है, ठीक है, ये भी अफेक्ट जब होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन हो गया उस होता है ना फोलेट की, वो प्रॉपरली नहीं होती है, जिसके कारण क्या है कि एबनॉर्मल सेल डिवीज़न होने लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम ग्रुप्स ऑफ पीपल आर एट हायर रिस्क ऑफ बिकमिंग इनएडिक्वेटली नरिश्ड, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारी क्या कहना चाहिए कि एज बढ़ते जा रही है, या फिर हम कुछ एक पर्टिकुलर उसमें आ रहे हैं, या हमारा जो वर्क लोड है वो बढ़ते जा रहा है, तो हमें क्या है कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो होती है बढ़ने लगती है। देयर आर पीरियड ऑफ लाइफ दैट कम विथ इंक्रीज न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या है कि हम एक अच्छी हेल्दी डाइट लेना, और जो है अच्छा हेल्दी जो खाना है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं इन्फेंट्स जो होता है उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो रैपिड ग्रोथ हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी उनका जो है विकास होने लगता है। अगर हम सफिशियंट डाइट नहीं या नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या है कि उनका जो इम्पेयर्ड आ जाएगा, किस किस चीज़ में, कॉग्निटिव और मोटर डेवलपमेंट, मतलब उनका ब्रेन और जो मोटर डेवलपमेंट है वो उनका अच्छे से नहीं होगा, बच्चे अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चिल्ड्रन की बात कर ले, चिल्ड्रन की भी बढ़ती एज होती है, तो बढ़ती एज में हमें उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। वुमेंस जो हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, प्रेगनेंसी जो होती है एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है, जिसमें जो मदर न्यूट्रिएंट लेती है वो उसके फीटस में भी जाता है, तो उसको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब फिर ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें, ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, बेबी भी हो या वो भी
क्या है, मिल्क जो है वो लेता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसका जो माँ जो होती है उसका क्या है कि न्यूट्रिशन जो होता है वो बढ़ जाता है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। जो उसको किससे बताएगी, इन्फेक्शंस वगैरह से बताती है, ठीक है, और वो एक माल नरिश्ड होने से भी बच सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कट बैक ऑन दी सॉल्ट। हमारी जो डाइट है उसमें कुछ ऐसे फूड्स जो होते हैं वो ऑलरेडी जो है उसमें सॉल्ट होता है, तो हमें ज़्यादातर सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। अगर जब हम सॉल्ट का इंटेक करते हैं तो देयर में बी अ चांसेस ऑफ दी एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और जो लोग ऊपर से सॉल्ट लाते हैं डाल के खाते हैं वो भी हमें नहीं खाना चाहिए। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि डू नॉट एड सो मच सॉल्ट इन योर डाइट। तो हमें कितना सॉल्ट लेना चाहिए, जो 5 ग्राम होता है, 5 ग्राम से कम हमें सॉल्ट लेना है पर डे में। ड्रिंक वाटर रेगुलरली, ठीक है। ये क्यों बोला जाता है कि गुड हाइड्रेशन है, अगर इससे हम ज़्यादातर पानी पिएंगे तो ये हमारी हेल्थ जो है उसका जो फंक्शंस है वो बॉडी के वो अच्छे से मेंटेन होंगे। एडिक्वेसी वेराइटी एंड बैलेंस आर की कैरेक्टरिस्टिक हेल्थी डाइटरी पैटर्न, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें जो अपनी डाइट है उसमें क्या करना है, हमको हेल्थी पैटर्न लेना है। ऐसा नहीं कि हम कोई पर्टिकुलर एक ही ग्रुप का खाना खाते रहे, हम क्या है हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप का जो है वो खाना खाना है। हमें फ्रूट्स भी उतने ही लेना है, वेजिटेबल्स भी उतने ही लेना है, अगर अभी से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए तो। सो हम ये थे आज के पूरे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फूड इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड, तो हमें फूड लेना ज़रूरी है जो हमारी हेल्थ को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फूड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एनर्जी एंड अदर सब्सटेंस फॉर ग्रोथ एंड ओवरऑल हेल्थ, जिसमें हमने किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट्स की, विटामिंस, मिनरल्स और वाटर की बात कर रहे हैं, जो हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम बिगिन इन द सेल्स, अगर जैसे हमारी सेल्स है हम न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हैं तो हमारी सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो अच्छी होगी। पुअर न्यूट्रिशन कैन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, क्रोनिक डिजीज भी जो होती है पुअर न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माल न्यूट्रिशन कैन रिजल्ट फ्रॉम पुअर डाइट, डिसीज स्टेट, जेनेटिक फैक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॉसेस। माल न्यूट्रिशन सिर्फ हमारी पुअर डाइट के कारण नहीं है, कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं और ये सब चीज़ों के कारण भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सम ग्रुप्स ऑफ पीपल आर एट हायर रिस्क ऑफ बिकमिंग इनएडिक्वेट नरिश्ड, मतलब कि कुछ जो ग्रुप के लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हमें क्या है कि हर एक स्टेज में याद रखना है कि हमें किस तरीके का न्यूट्रिशन देना है। कट बैक ऑन दी सॉल्ट, हमारी हमें डाइट से सॉल्ट जो है वो कम कर देना है और 5 ग्राम्स जो है उससे कम लेना है। ड्रिंक वाटर रेगुलरली, हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। एडिक्वेसी वेराइटी एंड बैलेंस आर की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थी डाइटरी पैटर्न, ठीक है। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई हो। थैंक यू।